वेलकम बैक टू द चैनल। मॉनसून राइड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि दिख रहा होगा पूरा बादल भरा हुआ है आसमान, तो दो चार दिन से बहुत बारिश हो रहा है, आज थोड़ा कम है, इसीलिए सोचा कि जाते हैं राइड पे, क्योंकि ये वेदर और नहीं मिलेगा। मॉनसून ख़त्म हो रहा है, अक्टूबर शुरू हो चुका है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 10:05 और आज का जो डेस्टिनेशन है वो कटक से ज़्यादा दूर नहीं है, तो इट इज़ अराउंड 40 किलोमीटर्स फ्रॉम कटक एंड भुवनेश्वर से 75 किलोमीटर्स है। तो नेवलोपुर करके एक जगह है, बुद्धिस्ट साइट है जाजपुर में, उसके हिल टॉप में मैं जा रहा हूँ आज। तो हम लोगों को टोल भरना नहीं पड़ता क्योंकि हम टोल फ्री ट्रैवलर है, साइड से निकल जाते हैं बिना किसी टोल के। तो मॉनसून में राइड करने का यही मज़ा रहता है, जिधर भी देखो ग्रीनरी रहता है। तो भाई पीछे बहुत भयंकर डार्क क्लाउड्स था, आगे आ चुका हूँ अभी, तो यहाँ थोड़ा खाली नज़र आ रहा है। रेनकोट वगैरह हालांकि लाया हूँ, फिर भी मैं नहीं चाहता कि बारिश हो। तो यहाँ से कोलकाता 391 किलोमीटर्स और बालेश्वर 150, चंडीखोल 16। तो अपने को जाना है चंडीखोल, और चंडीखोल से 3-4 किलोमीटर आगे ही गिरता है आज का डेस्टिनेशन नेवलोपुर। तो भाई वहाँ पे दूर पे दिख रहा है पहाड़ के ऊपर बादल जा रहा है, तो हम उसी किसी पहाड़ में से जाएंगे, होपफुली बारिश ना हो भाई। लेकिन एक चीज़ है, जो भी बोलो मॉनसून में राइड करने का मज़ा बहुत सही रहता है, और ऐसा रोड हो तो दुगना हो जाता है मज़ा। तो रोड के दो साइड में ऐसे ही फूल लगाया गया है, लास्ट टाइम जब मैं गया था राइड पे, नेशनल हाईवे राइड वाला वीडियो देखोगे तो ऐसे फ्लावर्स नहीं थे। तो अभी शायद ब्यूटिफिकेशन के लिए या फिर ये मॉनसून में अपने आप उग गया है पता नहीं, लेकिन बढ़िया लग रहा है ये फ्लावर्स। तो यही एक दिक्कत हो रहा है कुछ महीने से, नेशनल हाईवे 16 में बहुत काम चालू है, तो इसीलिए बहुत जगह में आपको डाइवर्जन मिलेगा। आप इस साइड भी आओ जाजपुर भद्रक ये लाइन में, या फिर आप वापस ऊपर नीचे की तरफ बहरमपुर वगैरह साउथ की तरफ जाओ, तब भी यही सिचुएशन है। ये भाई साहब रॉन्ग वे से क्यों आ रहे भाई? एक तो काम चालू है, रास्ते का हालत ख़राब, डाइवर्जन के ऊपर डाइवर्जन, और ये भाई सब रॉन्ग वे में आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, तो ये लो जी आके फाइनली पहुंच गए चंडीखोल, और यहाँ से 2-3 किलोमीटर के बाद ही पड़ता है आज का डेस्टिनेशन। तो चंडीखोल मेरे घर से 39.3 किलोमीटर्स है, लगभग 40 ही मान लो। तो वहाँ पे पीछे इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप आएगा चंडीखोल क्रॉस करने के बाद, तो वहाँ से थोड़ा आगे आना और ये वाला एक रूट लेना पड़ेगा हिल टॉप के लिए। मेरे को लग रहा है वही वाला ऊपर हिल टॉप होगा शायद। तो ये जो लोकेशन है ये बुद्धिस्ट साइट माना जाता है, तो वहाँ पे एक 108 फीट का बुद्धा बनाया जाएगा, यही प्लानिंग है, मैंने आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ा था। हाँ पहाड़ों को यही बड़े जीवा गाड़ी जाई हो ना। तो ये कुछ अनंत महिमा गांधी मंदिर है, वहाँ से राइट लेना है हिल टॉप के लिए रूट। ये कुछ नेवलोपुर का विलेज जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, फिर से पूछना पड़ेगा लग रहा है किधर जाने का है। नेवलोपुर हिल कोड है, नेवलोपुर जो पहाड़ोपुर को एवड है।
तो ये वाला कुछ रास्ता है ऐसे पूरा गांव के अंदर से जाता हुआ, गजब। तो ये मेन चीज शुरू हुआ रूट का, ऐसे 8-10 तो हेयरपिन बेंड है ये रूट में, तो यही इसको बहुत खूबसूरत बनाता है। मज़ा आ रहा है भाई, गजब। यहाँ से नेशनल हाईवे क्लियरली दिख रहा है, वहाँ पे ट्रक वगैरह जा रहा है, तो हम रोड के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि कभी किधर भी एक टर्न आ सकता है। पूरा हिली रोड है भाई साहब, बढ़िया। भाई साहब वेदर ने अब तक तो साथ दे दिया है, बारिश ना हो भाई वरना हम ऊपर से आपको दिखा नहीं पाएंगे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ऐसे हिली एरियाज में है तो बाइक में जा रहे हो तो हमेशा गाड़ी को फर्स्ट दो गियर में रखने की कोशिश करना, क्योंकि हिली एरिया में ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है, तो फर्स्ट जो इनिशियल पुश रहता है वो फर्स्ट सेकंड गियर में ही रहता है। तो यहाँ पे बीच में एक जगह में रुका हुआ हूँ, अभी तक टॉप पे नहीं पहुँचे, आपको दिखाता हूँ। आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा, ये रोड का देखिए आप लोग कितना स्टीप है। तो यहाँ से कुछ ऊपर से ही आपको दिखा देते हैं कैसा रोड है ऊपर से देखो। तो अभी पूरा ऊपर जाते हैं और देखते कैसा रहता है व्यू ऊपर से। भाई रोड सच में बहुत स्टीप है, लग नहीं रहा था मैं जब आया नीचे से, लेकिन ऊपर जितना जाओ स्टीपनेस उतना बढ़ रहा है। बस इतना ही है कुछ, आके पहुंच गए, यही एंड है। तो यह है नेवड़ापुर व्यू पॉइंट, आना है सही व्यू देखने के लिए तो आ जाना, ज़्यादा दूर नहीं, 40 किलोमीटर ही दूर है। तो गाड़ी को लगाते हैं यहाँ पे और आपको दिखाते हैं नज़ारे। तो फाइनली 40 किलोमीटर्स के बाद आके पहुंच गए हैं नेवड़ापुर हिल टॉप। तो यही कुछ है हिल टॉप, यहाँ पे रोड ख़त्म होता है, वहाँ पे नेशनल हाईवे जा रहा है और पीछे जाजपुर का बुद्धि साइट वगैरह है। तो किधर बनेगा मेरे को पता नहीं, लेकिन 108 फीट का स्टैचू बनेगा ये सुनने में आया है। और देखो तो ऐसे कुछ दिखता है नज़ारे व्यू पॉइंट से, वो रोड वहाँ से नीचे से आए, यहाँ पे बाइक, वहाँ पे व्यू दिखाया आपको, और कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो और जाके देखते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में व्यू कैसा दिखता है। तो अच्छा पॉइंट है भाई राइड करके आने के लिए, बाइक चलाने के लिए रोड्स बहुत सही है। तो भाई साहब बढ़िया, ये और एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से भी सही दिख रहा है। तो ऐसे कुछ दिख रहा है और मेरे ऊपर से खाली ब्लैक क्लाउड्स पास कर रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है कि कब बारिश शुरू ना हो जाए, अब तक तो हुआ नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे जा चुके हैं।
और एक एंगल से आपको दिखाते हैं और एक व्यू पॉइंट। ये कुछ रास्ता जा रहा है इस तरफ, लगता है यहाँ पे खत्म जंगल है। तो भाई देख रहे हो हालत पूरा खराब, वहां से पीछे से जोर से बादल आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ड्रिजल शुरू हो चुका है। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो पूरा बूंदाबांदी जोर से हो रहा है, पता ही चल रहा है देख के, पहाड़ है इसीलिए। तो क्या उड़ाऊंगा ड्रोन भाई। तो ये देखो सेलो डेप लेके घूमना पड़ता है वाटरप्रूफ बनाने के लिए। तो अभी फ्रेश यहाँ पे सेलो डेप मारा है ताकि पानी अंदर ना जाए। देख रहे हो क्या क्या करना पड़ रहा है वीडियो शूट करने के लिए और बारिश में दिखाने के लिए। तो इस बात के लिए एक लाइक मार दो। और यहाँ पे ज़्यादा रुकूंगा नहीं क्योंकि यहाँ देखो पीछे क्लियर हो गए, थोड़ा वाइट क्लाउड्स है वहाँ पे, लेकिन दूर में पूरा डार्क क्लाउड्स है। वो क्लाउड्स धीरे धीरे यहाँ आ रहे, तो मैं बेकार में अभी लगेगा 5-10 मिनट ऊपर उड़ाऊँगा, फिर वो क्लाउड्स आ जाएंगे, बारिश होना शुरू हो जाएगा, विंड भी बहुत तेज़ है। यहाँ पे रुक के मतलब नहीं बनता, वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा क्लाउड्स आ रहा है, यहाँ से पीछे से आ रहा है, तो ये भी व्यू जो है वो सही से दिखाई नहीं दे रहा है। और थोड़ा दूर में पीछे ही मैंने देखा बिजली कड़का, तो इसका मतलब ये जाने वाला नहीं है, आएगा। तो देख लो आप लोग यहीं से ही व्यू जितना हो पा रहा है, बहुत सही व्यू है, बहुत सही। और मैंने इंस्टाग्राम में ही ये फ़ोटो देख के आया था, उमाकंत करके एक बंदा है जिसने डाला था, तो वो बोला कि सनसेट में जाने के लिए बहुत सही व्यू रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी मानसून वापस जा रहा है, तो लो प्रेशर वगैरह होके बारिश हो रहा है। इसके लिए मैं 2-3 बार प्लान भी बनाया था लेकिन प्लान सक्सेसफुल हो नहीं पाया क्योंकि बारिश हो रहा था। आज थोड़ा खाली खाली लगा तो इसलिए आया। तो आज भी देखो यही हालत, तो देख लो भाई यहाँ से व्यू, कहर, बादल जाता हुआ और हाईवे का नज़ारा। भाई साहब ये रास्ते से बहुत बार जा चुका हूँ लेकिन कभी नहीं देखा था ये हिल टॉप, पता ही नहीं था, यही कुछ है। बहुत सही लग रहा है लेकिन यहाँ से व्यू। वहाँ पे बहुत सही लग रहा है, क्लाउड्स पूरा पहाड़ को कवर कर रहे हैं। तो ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप रहता है उसके जस्ट राइट साइड में, नेवलापुर हिल टॉप। मैं वहीं से ऊपर से कहीं से आ रहा हूँ। तो चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि और इंद्र देवता हमको ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं देंगे, पता है दिख रहा है आगे। तो आगे मेरे को रुक के कहीं पर रेनकोवर पहनना पड़ेगा, भीग भाग ना जाए ड्रोन वगैरह। गोप्रो को तो मैंने जुगाड़ कर दिया है, कवर कर दिया है पॉलीथीन से। यही कुछ था एक छोटा सा राइड, अच्छे से मैं कुछ राइड या फिर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ पिछले 5-6 दिन से। उसका रीज़न तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ऊपर लो प्रेशर होके बारिश हो रहा है, और 4-5 दिन होगा उसके बाद रेगुलर वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो पता है क्या करना है, लाइक मारना है और शेयर करना है चैनल को। और अगर लाइव अपडेट या फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह है, ट्रैवल फोटोज़ देखना है तो इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हो, जो कुछ भी बातें हैं वहाँ पे बता सकते हो। तो फ़िलहाल आके चांडीखोल के मेन चौक में पहुँच चुके हैं। हे भगवान, ये ड्रिजल कब पूरा जोर से बारिश में शुरू हो गया पता ही नहीं चला।